जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बहुत ही खास सेशन लेके हाजिर हूँ, आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट का एक शानदार सेशन लेके हाजिर हूँ। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से जुड़िए। आप सभी के लिए दोस्तों 15 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 का एलिमेंट्री अर्थमेटिक के जो भी सवाल पूछे गए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके हाजिर हूँ आप सभी के बीच। तो सभी प्रिय विद्यार्थी सेशन को अधिक से अधिक मेरे भाई लाइक एंड शेयर करेंगे और अच्छे से जुड़ेंगे और जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में क्वेश्चनों का लेवल क्या रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जो रियल क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे क्वेश्चन में यहां पर सॉल्यूशन कराऊंगा। दोस्तों आज हम एक ही शिफ्ट के, दोस्तों 15 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के सॉल्यूशन को लेकर हाजिर हूं आप सभी के बीच। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मेरे भाई पैट में दो प्रकार से मेरे भाई मैथ पूछा जाता है, एक तो डीआई पूछा जाता है और एक आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक पूछा जाता है। एलिमेंट्री अर्थमेटिक में कुछ मेरे भाई आपके चैप्टर होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, और मेरे भाई फिर डीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन। इस तरीके से कुल मिला के मैथ का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स का है और 25 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा मेरे भाई वेटेज है, राइट। आइए जरा जानने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। पहला प्रश्न देखिएगा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, यानी कि दो प्रकार के समाचार पत्र हैं मेरे भाई। अब दोस्तों आगे ये बोला गया कि 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? आइए जरा इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है ये परसेंटेज के वेन डायग्राम दोस्तों पोर्शन से पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों इसको वेन डायग्राम मेथड से बहुत स्मूथली इसको कैलकुलेट करेंगे। आइए जरा जानने की कोशिश करिएगा। आप सभी का फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए, आप डेफिनेटली ऐसे सवालों को बहुत स्मूथली बना पाओगे। आ जाओ समझते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में मैं क्या मानूंगा कि एक ये वाला सेक्शन मान लूंगा मेरे भाई एक्स का और ये समाचार बाई मेरे भाई समाचार पत्र बाई का ये सेक्शन है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन ने हमसे ये बोल दिया कि 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, एक्स वाला भी और बाई वाला भी, तो जो दोनों होते हैं वो यहां लिख लीजिए, राइट। चलिए अब मेरे भाई 40% व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, तो अच्छा एक बात बताओ, एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये ब्लैक वाला सर्किल मेरे भाई एक्स समाचार पत्र का है, राइट, जिसमें से 10 समाचार पत्र मेरे भाई 10% निकाल दीजिए, अब कितने परसेंट बचा होगा दोस्तों, 40 में से 10 निकल गया तो 30% व्यक्ति दोस्तों इधर केवल ऐसे होंगे जो केवल और केवल दोस्तों एक्स समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। अगर मैं बाई की बात करूं दोस्तों तो मेरे भाई 50% व्यक्ति ऐसे हैं जो बाई समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो मेरे भाई 50 में से 10 निकाल दो तो 40% व्यक्ति ऐसे होंगे जो केवल दोस्तों बाई समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब हम लोग सबको ऐड कर लेंगे, जब सबको ऐड करेंगे तो 30 और 10 40 और 30 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 और 40 80 हो जाएगा, तो 80% लोग ऐसे हैं जो दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब मेरे भाइयों आपको यह बताना है कि भाई आपसे क्वेश्चन ये पूछा कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते, तो 100% होंगे दोस्तों दोनों, जी बिल्कुल। उसमें से दोस्तों जब मैं 80% को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20%, तो दोस्तों 20% लोग ऐसे होंगे जो ना तो एक्स समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे ना तो बाई समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों 15 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट 1 में पूछा गया है, राइट। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आप लोग मेरे भाई कैलकुलेट करिएगा, ये क्वेश्चन आपको एवरेज चैप्टर से पूछा गया है, 5 क्वेश्चन आपको एलिमेंट्री अर्थमेटिक से पूछे जाएंगे, 5वां क्वेश्चन जो रियल पूछे जा चुके हैं एग्जाम में उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसके विगत वर्षों के क्वेश्चनों को देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वहां से हमें क्वेश्चन के नेचर का पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, राइट। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि 5 परिणामों का औसत 46 है। मेरे भाई 5 आपने परिणाम ऑब्जर्वेशन किए जिसमें प्रत्येक का एवरेज 46 निकल के आया, तो मैं ये कहूंगा कि भैया 5 परिणाम है, प्रत्येक का एवरेज कितना है मेरे भाई 46 है, तो 5ों का टोटल कितना हो जाएगा, 5 6 के 30 और 5 6 के 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 230, राइट। और आगे ये बोला गया और अगले 4 मेरे भाई
आपसे टोटल पांचों का परिणाम दे दिया गया है 46, और कहा गया है और अगले चार का परिणाम कितना मेरे भाई, चार का 45 मेरे भाई, तो पांचवा परिणाम बताइए। तो चार जो ऑब्जर्वेशन है उनका औसत कितना है, 45 है, तो मेरे भाई 4 × 45 कर लो तो ये कितना बन जाएगा, 45 × 90 × 180 राइट। जब हम दोस्तों 230 में से 180 घटाएंगे तो 50 निकल के आएगा, निकल के आएगा जी, बिल्कुल निकल के आएगा मेरे भाई। पहले 5 ऑब्जर्वेशन किए थे, अब आपने 4 ऑब्जर्वेशन का दोस्तों टोटल देखा तो 180 वैल्यू उसकी निकल के आई। आपसे क्वेश्चन ने पूछा पांचवा परिणाम बताइए, तो दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस पांचवा ही तो निकल के आएगा जी बिल्कुल, उसकी वैल्यू कितनी है 50। आपके सवाल का जवाब बन जाएगा दोस्तों 50, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। मे बी आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्वायर रूट से पूछा गया है, कहां से पूछा गया साथियों, स्क्वायर रूट से। मैंने आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया, खैर आइए जरा स्क्वायर रूट के इस क्वेश्चन को समझते हैं। यह दोस्तों 15 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट 1 में पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखो समझो मेरे भाइयों। आपने यहां देखा 6 है, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करें और यूनिट डिजिट 6 बन जाए। तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 16 बनेगा मेरे भाई, 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना बनेगा दोस्तों, 36 यानी कि 6 बनेगा। तो या तो यूनिट डिजिट दोस्तों 4 होगा या तो यूनिट डिजिट 6 होगा, बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर रूट ले रहे हैं इसलिए 2 अंकों को काट दो। अब आपके पास बचा दोस्तों 2981। आप सभी को बेहतर तरीके से पता है कि हम अभी पॉइंट को नहीं देखेंगे दोस्तों, हम अभी पॉइंट से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब मेरे पास बचा हुआ 2981, तो 2981 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में बैरी कर रहा है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि सर अगर मैं 53 का स्क्वायर करूं तो ये 53 का स्क्वायर सर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 × 9 = 5 × 15 = 30 5 × 5 = 25 3 = 28 2809 बन जाएगा राइट। चलेगा अब मेरे भाई अगर मैं 54 का स्क्वायर करूं तो 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा दोस्तों। और अगर मेरे भाई 4 का स्क्वायर 16 हो गया तो 5 × 20 = 2 कितना हो जाएगा 40 और 41 हो जाएगा, 4 कैरी हो गया, 5 × 5 = 25 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। अभी भी दोस्तों हम लोग इसके मेरे भाई ऐसे दो नंबर नहीं मिल पाए। अब हम क्या करेंगे 55 का स्क्वायर करेंगे। जब सर हम 55 का स्क्वायर करेंगे तो 55 का स्क्वायर क्या होता है 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30। अब आप सभी बेहतर तरीके से इस बात को समझ गए होंगे दोस्तों कि जो आपका यहां पर बचा हुआ 2981 था वो किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में बैरी कर रहा है दोस्तों। 2981 54 और 55 के स्क्वायर के बीच में दोस्तों 2981 आता है राइट। अब आप क्या करेंगे इन दोनों में से छोटी संख्या को यहां चिपका दो, यहां भी दोस्तों 54 को चिपका दो और यहां भी 54 को चिपका दो। या तो दोस्तों अब मेरे भाई अभी पॉइंट का हम सॉल्यूशन करेंगे, परेशान मत होइएगा राइट। अब आप ये देखिएगा कि कौन सा नंबर दोस्तों इसके करीब है 2981 के, तो 2981 के करीब दोस्तों हमें 3025 लग रहा है क्योंकि 3025 दोस्तों 2981 के ज्यादा पास है। तो बड़ी वाली संख्या के दोस्तों ये पास है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है मेरे भाई 546। अब आप ये देखिए कि यहां 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों दो दो के पेयर बनाएंगे, जितने पेयर बनेंगे उतने ही अंकों के बाद दोस्तों आप दशमलव लगाएंगे। दो दो के दो पेयर बने तो यहां 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो 5.46 निकल के आया। वैसे ही दोस्तों हम इसका करेंगे, जब मैं इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो इसका यूनिट डिजिट है 4, तो हम कौन सा नंबर ऐसा रखें जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट दोस्तों 4 बन जाए। या तो दोस्तों आप यहां पर 2 रखेंगे या तो यहां पर 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट 4 आएगा, बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे अंतिम 2 अंकों को काट देंगे। मेरे पास बचा 77, 77 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में बैरी करेगा दोस्तों। हमें बहुत अच्छे से पता है कि 8 का स्क्वायर होता है सर 64 और 9 का स्क्वायर होता है सर 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है मेरे भाई। जो ये 77 है वो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में बैरी कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल कर रहा है सर। तो अब आप क्या करेंगे छोटी संख्या यहाँ पे चिपकाएंगे 8 8, यहाँ चिपका दिया। अब मेरे भाई आंसर क्या होगा मेरे भाई, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे क्योंकि 2 का एक पेयर बनता है दोस्तों राइट। चलेगा अब मेरे भाई आप ये बताओ 77 किसके करीब है, 81 के कि 64 के। सर ये 81 के करीब है, बड़ी संख्या के करीब है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 8.8। इन दोनों को आप ऐड कर दो क्योंकि यहाँ ऐड का सिंबल है, तो 8 हो जाएगा दोस्तों 80 राइट। जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो 6 8 4 कितना हो जाएगा 12, 8 5 13 और कितना हो जाएगा 14 14.26 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। होप सो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन अब की बार फिर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आप लोग बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा राइट। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली करना है, लेकिन आप बहुत
अच्छे तरीके से कर पाओगे। आ जाओ जरा समझते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको आज करा रहा हूं, राइट। चलिएगा मेरे भाई, अब आप क्या करेंगे, यहां लिखा हुआ है 5.21, यहां लिखा है इनटू 6.32, राइट। आप क्या करिए, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को दोस्तों, जैसे मैंने इसको मान लिया 5.5 अप्रोक्सीमेटली, और इसको माना दोस्तों मैंने 6, राइट। चलिए अब इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने मान लिया 3, क्योंकि लगभग ये 3 के करीब है, तो ये कितना बन जाएगा, 6 × 5 = 30, और 30 और 3 33, और 33 में से जब मैं 3 को घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 30 बनेगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों के दोस्तों आंसर आपको करने होंगे, राइट। चलिए ये मेरे भाई सिंपल इक्वेशन एक दी गई है, ये मेरे भाई सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, राइट। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आइए अंतिम सवाल होगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बेहतर तरीके से पता है कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, ये भी एक मेरे भाई सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये एल्जेब्रिक फॉर्मूले पर बेस्ड है, आप बहुत स्मूथली इस सवाल का जवाब कर पाओगे। यहां आप देख पा रहे हैं कि 2 अंकों के बाद दशमलव है, मेरे भाई डिजिट सेम है, नंबर सेम है मेरे भाई, यहां 2 डिजिट के बाद, यहां 3 डिजिट के बाद, यहां 2 डिजिट के बाद मेरे भाई, यहां 3 डिजिट के बाद, यहां 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, यहां 3 मेरे भाई यहां सॉरी 3 डिजिट के बाद, यहां 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, यानी कि ऊपर जो भी नंबर लिखे हुए हैं उसमें जितने डिजिट के बाद मेरे भाई डेसिमल लगा हुआ है, उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें एक ज्यादा अंक के बाद मेरे भाई दशमलव लगा हुआ है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैं 0.05 में मेरे भाई अगर मैं 10 का भाग कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.005, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जी बिल्कुल बन जाएगा। तो मेरे भाई ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें मैं अगर 10 का भाग कर दें दोस्तों, 10 का भाग कर दें तो यही कंडीशन बन जाएगी आपके सामने, जी बिल्कुल बन जाएगी। मैंने क्या किया, 10 का भाग किया और उसको कॉमन ले लिया, जैसे मैंने दोस्तों उसको कॉमन लिया मेरे भाई, सब पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, जब आप इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो सर ये क्या बन जाएगा, 100। आपके सवाल का जवाब बन गया दोस्तों 100, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मे भी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, राइट। इसमें मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहां 2 अंक के बाद, यहां 3 अंक के बाद, तो यहां में 10 का भाग करेंगे, 10 का भाग करोगे दोस्तों, मैंने वो कॉमन ले लिया, जब सभी में से 10 को कॉमन लिया दोस्तों, और जैसे ही मैंने उसका स्क्वायर किया दोस्तों, तो ये कितना बन गया 100, और 100 ही आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को आपकी परीक्षा में आगे पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की भाई 14 नवंबर से परीक्षा शुरू हो जाएगी, अब समय कम बचा हुआ है, तो कम समय में आपकी तैयारी को मेरे भाई ध्यान में रखते हुए वर्दी बैच लेकर आई है हमारी पूरी टीम, तो आप जरूर जुड़िए हमारे वर्दी बैच के साथ, जहां आप कम समय में अपनी पूरी तैयारी को बहुत विधिवत तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिसमें मिलेंगे आपको डेली लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, मेरे भाई प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर, और मेरे भाई मॉक टेस्ट भी आपको कराए जाएंगे। तो जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगले सेशन में आप सभी से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।